Good evening, Namaskar. It's a pleasure to be amongst you, and I can see the legends in the media industry, and especially the electronic channels, print media. My big salute goes to all of you. Naseem Jaidiji, who has a long experience of bureaucratic, the electioneering system, Alok Mehtaji, and so many fields I can see in front of me. And my congratulations goes to Anurag Batraji and his team, complete team of Exchange for the Media, for this initiative of making this competition among the own people, being the largest democracy of the world. The role of media goes in a long way and in a big way, that how to take this. Yes, it's a double-edged sword. The soft power of ours, our population, the young population, buzzing ideas, bubbling in minds, and lot to do for the society, the humanity, and for the nation, and for the world also. The world is looking towards us, that India will lead the world in the coming times. And we have a visionary Prime Minister with us, who is leading all of us in a big way. This idea of selecting the best out of the best. And I think if the best would have been there, the race would have ended. We are always in search of the better than the best. And this search by this Exchange for the Media, that selecting the best out of the best, because we are all in the same the race, the sabse tej, sabse aage. और एक डॉक्टर होने के नाते मैं ये बता सकता हूँ कि व्हाट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इट क्रिएट्स ऑन द माइंड ऑफ द पीपल कि अगर सबसे तेज सबसे आगे और लगातार बने रहना है तो उसके लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता और वो भी 24 आवर्स एंड 365 डेज तो 24 घंटे 365 दिन सबसे आगे सबसे तेज बने रहना यानी ऊंचाइयों तक पहुंच जाना और उस ऊंचाइयों तक रुके रहना और वो भी क्रेडिबिलिटी के साथ इन्फॉर्मेशन के साथ रीसेंट इन्फॉर्मेशन के साथ और वो इन्फॉर्मेशन कहीं भी हमारे सिस्टम को कहीं ना कहीं डैमेज ना कर दे आपका एक भी जरा सा स्टेटमेंट एक जरा सी चूक कितना बड़ा डैमेज कर सकती है ये हम सब लोग इमेजिन कर सकते हैं आज मैं आप सबको बधाई देता हूं जिन लोगों को सिलेक्शन इस जूरी ने किया है मैं अभी सुन रहा था कि कितना ट्रांसपेरेंट सिस्टम जूरी ने अडॉप्ट किया है आप सब लोगों में से बेस्ट सिलेक्शन का मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे भी शहर में 34-35 साल हो गए और बड़े अरमानों के साथ ये शहर बसा था दिल्ली के एनसीआर के बॉर्डर पर आप सब लोगों का भी बहुत सारों की ये कर्म भूमि है नोएडा ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्र मैं आपका अभिनंदन भी करता हूँ कि इस कार्यक्रम को आप लोगों ने इस मेरी कर्म भूमि मेरी पॉलिटिकल कर्म भूमि पर भी किया है और आप सब लोगों से ये अपेक्षा करता हूँ हम सबके मतभेद मनभेद हो सकते हैं होने भी चाहिए इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ द सोसाइटी हम लोग कहलाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रहित के मुद्दों पर हमें कहीं ना कहीं सहमति बनानी होगी आने वाला समय हम सब लोगों के लिए चाहे सोशल मीडिया का हो हम सब लोग एक तरह की डेमोक्रेसी के माध्यम से लिबर्टी ऑफ आइडियाज लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन व्हाट इज आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इसकी बात हम करते हैं अच्छी बात है लेकिन कभी ना कभी आज उसी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत छोटी सी बात अफवाहों के कारण पता चला कि इंटरनेट बंद करना पड़ता है अगर कहीं कोई क्राइसिस हो जाए ऐसा प्रॉब्लम्स आ जाए प्रिंट मीडिया के आलोक मेहता जी खासतौर पर इस बात को समझ सकते हैं कि अगर वहां गुंजाइश है वहां करेक्शन की गुंजाइश है सिलेक्शन की गुंजाइश है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में खास तौर पर और सोशल मीडिया में खास तौर पर जब ऐसी बात जाती है तो इसके लिए क्या चिंतन हो और मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा थिंक टैंक यहाँ बैठा है इन सब के राय से निकलकर जो एलिक्सर आएगा वो कहीं ना कहीं हमारे देश की दिशा को और सिर्फ देश की नहीं ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करने के लिए तत्पर होगा आज जिस सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से हम डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं बहुत सारी चीजें जो आज तक देश को पता नहीं चलती थी बहुत सारे करप्शन बहुत सारे क्राइम बहुत सारी एट्रोसिटीज बाय
सो मेनी पीपल. आज इस आरटीआई के युग में और इलेक्ट्रॉनिक्स के युग में जब हम विद इन सेकेंड्स हम न्यूज को कहीं वायरल कर देते हैं, न्यूज की इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंच जाती है कहीं हैपनिंग होने के साथ, तो मैं समझता हूं आने वाले समय में ये इस देश की डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन करेगा. हाँ, इसमें जो कुछ बॉटलनेक्स हैं, जो इसमें लूप होल्स हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बैठकर इस पर भी कहीं चिंतन करेंगे कि कहीं ये सोर्ड, ये हमारी ताकत कहीं किसी डिजास्टर की ओर हमें ना ले जाए. ये भी हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए. बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं. मैं भी समझता हूं कि आप लोगों के लिए कोई उदाहरण देने की जरूरत नहीं, आप स्वयं लोग मुझसे ज्यादा समझदार हैं इस फील्ड के. मेरी आपसे यही अपेक्षा के साथ कि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चिकित्सा पेशे से, एक मेरा पड़ोसी था, क्लर्क था किसी अफसर में, ज्ञान नाम था उसका. ज्ञान बाबू, तुम अखबार पढ़ते हो 3 मिनट के लिए और उसके बाद अखबार को साइड में डाल देते हो, कितनी देर में तुम क्या पढ़ लेते हो? आप समझिए उसका जवाब बड़ा हंसने वाला था. उसने कहा, मैं तो पहले पेज पे ये देखता हूं किसी नेता की डेथ हुई हो तो आज के ऑफिस की छुट्टी हो जाए. उसकी ट्यूबुलर शोच का विजन देखिए कि बस वो तो वहां तक सोचता था. आज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से 24 घंटे 335 दिन, मुझे लगता है हम डॉक्टरों की, मीडिया के लोगों की जिंदगी खास तौर पर एक ही किसी कलम से लिखी गई है, एक ही धागे से कहीं ना कहीं बंधी हुई है. ग्रह दशा भी कुछ एक जैसे ही लगते हैं. जब दुनिया में अलर्ट होता है तो हम सब रेड अलर्ट पे आ जाते हैं. कोई क्राइसिस होता है, कोई घटना दुर्घटना होती है तो हम सब रेड अलर्ट पे आ जाते हैं. जब जयदी साहब कहते हैं बस सब इलेक्शन की डेट में डिक्लेयर करने जा रहा हूं इतने मिनट इतने सेकंड्स पर, तो हमारी अलर्टनेस और बढ़ती चली जाती है. फिर कॉम्पिटिशन शुरू होता चला जाता है कि किसके पहले, सबसे पहले कौन न्यूज आगे फ्लैश करे. इस दौड़ में एक डॉक्टर के नाते मैं ये भी कहता हूं कि अपने आप को मेंटली कूल डाउन कर लेना. बहुत सारे लूपहोल भी बता रहा हूं चिकित्सा पेशे का. बहुत सारे लोग अपने इस स्ट्रेस बज के अंदर सफर भी कर रहे हैं. एंड दिस शुड बी आई ओपनर. और बल्कि मुझे ये फायदा आज से 30 साल पहले हुआ था, जब महर्षि योगी जी का आश्रम था तो मुझे दिखना भी बंद हो गया, कम हो गया था, और सुनना भी कम हो गया था. मुझे पहले ज्यादा दिखता था, उन्होंने मेरा ये काम डाउन कर दिया कि अब आप जितना देखना चाहते हैं उतना दिखेगा, जितना सुनना चाहते हैं उतना सुनेगा. तो अपने आप की उस दौड़ से थोड़ा सा हम अपने आप को अपनी हेल्थ के लिए बी सेल्फिश कि हम दुनिया में हैं, हेल्दी हैं, तो सारा जमाना हमारे साथ है, हम जमाने के लिए, जमाना हमारे लिए है. अपने लिए भी हम सब लोग अपने आप को फिट रखें. और पुनः अनुराग जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देते हुए मैं आपसे विदा भी लेना पड़ेगा क्योंकि आज एक A beautiful big round of applause for the minister for his beautiful inspiring words. With that, I invite Mr. Batra on stage once again so we can take this opportunity to present him a small token of our gratitude and appreciation.